नमस्कार साथियों, मैं सोमेश सिंह मैक्स नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है हम लोग की जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही है और आप उसमें बेहतर कर रहे हैं। दोस्तों, आपको एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा कि इस चैनल पर एक इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चलाई जा रही है। कोशिश किया जाएगा कम्प्लीट इंडियन ज्योग्राफी को कवर किया जाएगा, बड़े सिंपल लैंग्वेज में कवर किया जाएगा और कुछ खास बातें भी हैं जो कि आगे मैं आपको भी बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि पीछे की क्लास में हम लोग, पीछे दो क्लास हो गई, आज ये सीरीज की तीसरी क्लास है और पीछे की दो क्लासों में हम लोग कुछ पढ़े भी हैं। अब क्या पढ़े हैं, जैसा इसलिए मैंने इस जो पिछली क्लास का है ये, इसे मैंने अभी तक मिटाया नहीं है क्योंकि अगर आप पीछे क्लास में अगर जुड़े रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा ये ताजा हो जाए और याद हो जाए, रिविजन एक तरह से आप कर सकते हैं। थोड़ा सा पीछे का बताऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। दोस्तों, हुआ क्या था कि हम लोग भारत में जब स्टार्ट किए तो हम लोग कहे, मैं बोला कि भारत का भौगोलिक वर्गीकरण कर रहे हैं। भौगोलिक वर्गीकरण जब किया गया तो उसमें कई भागों में बांटा गया था, वर्गीकृत किया गया था। जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर पर्वतीय प्रदेश किया पहला, उसके बाद मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, फिर तटीय क्षेत्र है, फिर मरुस्थली है, द्वीपीय क्षेत्र है। ये सब पहली क्लास में मैंने नोट करा दिया था आपको, अगर मिस हो गई क्लास तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप बाकी की क्लास को, पीछे की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसी क्रम में सबसे पहला वाला जो था, जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश था, उत्तर भारत में जो पर्वतीय प्रदेश है, इसी को अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से। यहाँ उत्तर पर्वतीय प्रदेश में हम लोग इसे बांटे थे, चार भागों में बांटे थे हिमालय को। एक तरह से इसे समझिए कि हम लोग हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें चार हिमालय के बारे में हम लोग पढ़े थे। कितने हिमालय? चार हिमालय जो कि लाइन से एक फैले हुए हैं, नॉर्थ से यानी कि तिब्बत से जब भारत में आएंगे तो हमें चार हिमालय देखने को मिलता है। सबसे पहले जो मिलता है वो ट्रांस हिमालय दिखता है एकदम बाहर, फिर उसके बाद बृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक। तो पीछे की क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय को पूरी तरह से पढ़ चुके थे, जिसमें मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय कई टुकड़ों में है और उन टुकड़ों का नाम क्या है, कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कुछ इस तरह से ये कराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये बाहर क्या है, कैलाश। ये ट्रांस हिमालय हो गया। अब इसके बाद आज हम लोग चर्चा करेंगे बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की। बृहद हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है और बृहद हिमालय के फिर दक्षिण में आएंगे तो लघु हिमालय मिलेगा और लघु हिमालय से थोड़ा और इधर आएंगे तो हमें शिवालिक मिलेगा। तो आज हम लोग को यही चर्चा करनी है कि बृहद हिमालय कैसा है, क्या विशेषता है इसकी, कहाँ स्थित है, और इसके अलावा लघु हिमालय, फिर शिवालिक की चर्चा करने के बाद तब हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक की चर्चा करने वाले हैं। ये देखिए, मैंने ये कल का बताया है ट्रांस हिमालय के बारे में, जास्कर का बताया था मैंने, तो इस पे मैं मिटा दे रहा हूं, इसलिए नहीं अब तक मिटाया था ताकि आपको याद हो जाए। दोस्तों, आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा कि इसी चैनल पर आपको, जैसे ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी के लिए क्या होगा, अगर एनिमेशन मिल जाते हैं, वीडियोज मिल जाती है, इमेजेस मिल जाते हैं तो आपको टॉपिक थोड़ा और आसान हो जाती है। तो ये जो आपका हिमालय है, जो हम लोग हिमालय पढ़ रहे हैं, इसके बारे में एनिमेशन टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, वहां से जाकर आप उस एनिमेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि हिमालय कैसे बना, भारत कैसे गति कर रहा है, ये सब बातें एनिमेशन से वहां बताई गई है। साथ में इमेजेस भी शेयर किए जाते हैं, करंट अफेयर भी शेयर किए जाते हैं और बहुत कुछ शेयर किया जाता है। फ्री चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हुआ क्या कि ट्रांस हिमालय हम लोग चर्चा कर चुके हैं, आज इसकी बात नहीं करना है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बृहद हिमालय की। तो बृहद हिमालय को मैं शुरू करने से पहले थोड़ा सी कुछ खास बातें बता दूं। दोस्तों, ये क्या है कि ये अलग तरीके की आकृति है बृहद हिमालय की। इसकी लंबाई आप कहेंगे लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है बृहद हिमालय की। और ये धनुषाकार आकृति का है। क्यों धनुषाकार, कैसा मतलब धनुषाकार, आइए समझते हैं। बृहद हिमालय आप ये समझिएगा, जो भी हम लोग हिमालय की बात कर रहे हैं यही हिमालय क्षेत्र में ही है, वो कहीं और इधर उधर नहीं है। तो जो बृहद हिमालय है ये ट्रांस हिमालय, जैसे मान लीजिए इतना दूर क्या है आपका ट्रांस हिमालय है, तो इसके दक्षिण में क्या है बृहद हिमालय है। तो बृहद हिमालय को कहा जाता है कि धनुषाकार आकृति का है। कैसा धनुषाकार आकृति का है,
जैसे पहले ये कुछ इस तरह से है, फिर ऐसे आया है, फिर ये क्या हुआ है, ऐसे हो गया है। ध्यान दीजिए कि आप अगर रामायण देखे होंगे, महाभारत देखे होंगे, या और जो धर्म से जुड़े जो आते हैं टीवी सीरियल्स, उसमें देखे होंगे कि धनुष कुछ इस तरह से होती है। इसी में अगर आप प्रत्यंचा जो होता है यहाँ लगा देंगे तो बिल्कुल आपको एक धनुष जैसी आकृति मिलेगी, इसलिए इसे धनुषाकार आकृति कहा जाता है। क्या बोला जाता है कि ये धनुषाकार है, इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा इसे, धनुषाकार है। कौन? बृहद हिमालय, आप कहते हैं हिमालय को। इसी में आप एक चीज और कर दीजिए, सिंटैक्सियल बैंड पाए जाते हैं। कैसे बैंड पाए जाते हैं? सिंटैक्सियल, सिंटैक्सियल बैंड, सिंटैक्सियल बैंड पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? आपका बृहद हिमालय में। इसका मतलब क्या हुआ सिंटैक्सियल बैंड का? यानी कि आपका जहां पर मुड़ रहा है ये धनुष के आकार में, जहां ये मुड़ रहा है, यही आपका क्या है? सिंटैक्सियल बैंड है। ठीक है, ये क्या है? सिंटैक्सियल बैंड। तो जब भी आप कोई पूछे कि जो बृहद हिमालय है उसमें सिंटैक्सियल बैंड कहां पाए जाते हैं, तो आप बताइएगा एक तो यहां पाया जा रहा है और एक यहां पाया जा रहा है। सिंटैक्सियल बैंड है जिसे धनुष आप कह सकते हैं कि अच्छ संघीय मोड़, हिंदी में क्या बोलेंगे? अच्छ संघीय मोड़, और इंग्लिश में क्या रहेगा? सिंटैक्सियल बैंड। आपसे अभी लोकेशन भी पूछ सकता है कि ये कहां पर है, तो आप कहिएगा कि जैसा कि हमें पता है बृहद हिमालय क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर ऐसे फैला हुआ है। यहाँ पर दो सिंटैक्सियल बैंड पाए जाते हैं, एक जो आपका पाया जाता है वो नंगा पर्वत के पास पाया जाता है, नंगा पर्वत के पास पाया जाता है, नंगा पर्वत के पास पाया जाता है सिंटैक्सियल बैंड, और दूसरा आपका पाया जाता है नामचा बरवा। कहाँ? नामचा बरवा। नामचा बरवा आपको पता है कहाँ है? ये नामचा बरवा आपका, नामचा बरवा पर्वत ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये क्या है आपका? जम्मू कश्मीर। तो नंगा पर्वत और नामचा बरवा के पास क्या पाए जाते हैं? दो अच्छ संघीय मोड़ पाए जाते हैं, सिंटैक्सियल बैंड पाए जाते हैं, या हेयर पिन टर्न भी बोला जाता है। तो सिंटैक्सियल बैंड या अच्छ संघीय मोड़ या हेयर पिन टर्न कहाँ पाए जाते हैं हिमालय में? तो आप कहिएगा एक नंगा पर्वत के पास और एक नामचा बरवा पर्वत के पास। नामचा बरवा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, और ये कहाँ है नंगा पर्वत? आपका जम्मू कश्मीर में। तो इस तरह से हमें पता चल गया हिमालय की, इस हिमालय की कुछ खास बातें। एक चीज और नोट कीजिएगा कि जो ये हिमालय है ना, ये आपका कुछ इस तरह से है, समझ लीजिए ये क्या है आपका? हिमालय है। आप ध्यान दीजिए कि ये आपका क्या है? वेस्ट साइड है और ये ईस्ट साइड है। यहां आपका ये वेस्ट बोलते हैं हिमालय, इधर है, इधर ईस्ट है, यानी कि वेस्ट ईस्ट। तो ध्यान दीजिए यहां वेस्ट हिमालय के पास इसकी चौड़ाई क्या है? ज्यादा है। वेस्ट साइड क्या है? हिमालय की चौड़ाई ज्यादा है, ईस्ट साइड चौड़ाई इसकी कम है। किसकी? हिमालय की। हिमालय की वेस्ट साइड क्या है? चौड़ाई यहां ज्यादा है और ईस्ट साइड चौड़ाई कम है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट करते चलेगा। एक चीज और, यहां पे चौड़ाई बात हो गई। अब जब पर्वत की बात करते हैं तो उसमें ऊंचाई की बात जरूर किया जाता है। तो यहां आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जिधर चौड़ाई ज्यादा है वहां हाइट क्या है? लो है। वहां हाइट क्या है? डाउन है, यानी कि लो है, कम है, वहां पे हाइट ज्यादा नहीं है। किसकी अपेक्षा? इधर की अपेक्षा। इधर हाइट क्या है? ज्यादा नहीं है, चौड़ा तो है लेकिन ये ऊंचाई ज्यादा इसकी नहीं हो पाई है। लेकिन यहां पर क्या है दोस्तों, चौड़ाई तो कम है लेकिन इसकी हाइट क्या है? हाइट क्या है? ज्यादा है। इसकी हाइट क्या है? ज्यादा है, और इसकी हाइट ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, बीच में ध्यान दीजिएगा कि बीच में हिमालय का कुछ क्षेत्र है जो कि ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। क्या है? जैसे आपको पता है, आप लोग नाम सुने होंगे माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है? बहुत ऊंचा है। तो आप कह सकते हैं कि हिमालय का जो बीच का क्षेत्र है वो भी क्या है? ऊंचा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हिमालय क्या है? पश्चिम में चौड़ा है लेकिन ऊंचाई कम है, पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है लेकिन ऊंचाई क्या है? इसकी ज्यादा है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और इसमें ढलान, जब ऊंचाई ज्यादा है तो और चौड़ाई कम है तो इसमें ढलान क्या रहेगा? तीव्र रहेगा। ढलान कैसा रहेगा? तीव्र रहेगा। और एक चीज बात ध्यान दीजिएगा, जो बृहद हिमालय है, सपोज दैट ये हम बृहद हिमालय की बात किए, अब दोनों साइड ढलान रहेगा, हिमालय पर्वत है तो वो क्या रहेगा? दोनों साइड ढलान रहेगा। तो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि नॉर्थ साइड क्या है, इसका ढलान जो है कम रहेगा, ज्यादा एंगल, मतलब
ज्यादा स्लोप नहीं रहेगा और इस साइड क्या रहेगा, बहुत तीव्र ढलान रहेगा, इधर बहुत तीव्र ढलान रहेगा, यानी कि भारत के साइड या कह सकते साउथ के साइड क्या रहेगा, इसका ढलान तीव्र है और नॉर्थ के साइड ज्यादा इसका ढलान नहीं देखने को मिलता। तो ये हो गई बृहत हिमालय की कुछ खास बातें। और एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो ये हिमालय है, हिमालय एक चीज मिस हो गया था, मैं बता दूं एक बार, हिमालय, इसको बांटेंगे तो इसका हो जाएगा हिम धन आलय। क्या हो जाएगा? हिम धन आलय। हिम मतलब बर्फ और आलय का मतलब घर, यानी कि बर्फ का घर। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि हिमालय का मतलब है हिम धन आलय, यानी कि बर्फ का घर। आगे हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसमें हम लोग अब एक एक करके चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले आपका आता है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं, थोड़ा रिटेल में आपको प्रोवाइड करना चाहूंगा। तो एक बार आप इसे फिगर बना लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो सिंटेक्सियल बैंड पाए जाते हैं, नामचा बरवा और नंगा पर्वत के पास। और इसकी लंबाई मैंने बता दी और ये धनुषाकार आकृति का होता है। चौड़ाई भी बता दी, कहाँ पे ज्यादा हिमालय की है, कहाँ पे कम है, और ऊंचाई किधर ज्यादा है, किधर कम है। तो चलिए एक बार बृहद हिमालय को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले बृहद हिमालय को क्या कहते हैं? सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री भी बोलते हैं, महान हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं इसे, महान हिमालय और ग्रेट हिमालय। ध्यान दीजिएगा किसे बोलते हैं, बृहद हिमालय को ही। सबसे पहले क्या है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है ये। क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। आगे औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, जबकि चौड़ाई 120 से 190 किलोमीटर तक इसमें है। विश्व के प्राय सभी महत्वपूर्ण शिखर इसी में स्थित है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एवरेस्ट, सबसे पहले आप बात करेंगे एवरेस्ट की, 8850 मीटर। कंचनजंगा 8558 मीटर। फिर आपका आता है नंगा पर्वत, नंदा देवी। तो ये क्रम भी याद रखिएगा कि एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा है, कंफ्यूज मत होइएगा। एवरेस्ट आपका 8850 है और ये 8558 है। इसके अलावा एक पर्वत इसमें और जोड़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नामचा बरवा। अभी मैंने नाम बताया था इसका, क्या है? नामचा बरवा। नामचा बरवा, नामचा बरवा, ये क्या है? ये भी क्या है? आपका बृहद हिमालय है। तो एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी और नामचा बरवा, ये कहाँ है? ये सब, ये शिखर सब कहाँ है? आप कहेंगे बृहद हिमालय में। इसके आगे बढ़ते हैं, जो एवरेस्ट है इसमें ध्यान दीजिएगा महत्वपूर्ण है, और इसे नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। ये कई बार एग्जाम्स में पूछे हैं कि सागर माथा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसे नेपाल में सागर माथा भी बोला जाता है। महान हिमालय का अधिकांश भाग लगभग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? हिमाद्री भी बोला जाता है, हिमाद्री, अतः इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। वर्ष भर बर्फ होने की वजह से इसलिए इसे हिमाद्री भी कहा जाता है। तो ये बातें ध्यान दीजिएगा, महान हिमालय का, ये बातें तो हमेशा याद होनी चाहिए। और ये कुछ इसके अलावा भी आप कहीं डिटेल में कुछ और पढ़ेंगे तो कहीं कहीं एक दो पॉइंट और भी आपको मिल जाएगा, एक बार आप इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अब लघु हिमालय की। औसतन चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर एवं सामान्य ऊंचाई 3500 से 4500। लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, महाभारत श्रेणी, हिमाचल श्रेणी भी लघु हिमालय को कहा जाता है। इसे मध्य हिमालय भी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। लघु हिमालय पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग आदि। उत्तराखंड में इसी को बुग्याल और पयार कहा जाता है। जो छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं वो कश्मीर में उसे मर्ग बोला जाता है, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल और पयार बोला जाता है। लघु हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक निम्न श्रेणियों में बांटा गया, इसे भी कई श्रेणियों में बांटा गया, जैसे कई अभी हम लोग देखे कई श्रेणियों में बांटा जा रहा था, वैसे लघु हिमालय को भी कई श्रेणियों में बांटा गया, क्योंकि लघु हिमालय भी आप देखेंगे ना कई टुकड़ों में है, जैसे ट्रांस हिमालय कई टुकड़ों में था, ट्रांस हिमालय कई टुकड़ों में था, फिर बृहद हिमालय एक पूरा लगभग एक जैसा ही था, उसके बाद फिर आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय भी आपका क्या है? टुकड़ों में है। फिर उसके बाद आएगा शिवालिक। तो जो लघु हिमालय है उसे भी कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे जम्मू कश्मीर में
पीर पंजाल श्रेणी। क्या है पीर पंजाल श्रेणी? कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और इसकी विशेषता यह है कि यह मध्य हिमालय सबसे लंबी श्रेणी है। यह मध्य हिमालय का सबसे लंबी श्रेणी है कौन सा? जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी। आगे हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो धौलाधर श्रेणी है। यहां कंगड़ा व कुल्लू की प्रसिद्ध घाटियां मिलती हैं। मसूरी श्रेणी आपका उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी कहाँ है? नेपाल में है। एक चीज और नोट कीजिएगा, हो सकता है आपको ये कट गया हो। यहाँ लिखा क्या है? सूकर कटक भी कहा जाता है इसे। क्या बोला जाता है? सूकर कटक। अब इसे क्या है इसे समझा देते, हो सकता है वहां कट गया हो तो इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं। क्या? सूकर सूकर कटक भी बोला जाता है लघु हिमालय को। क्यों सूकर कटक बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों देखिए, जो ढाल है, जैसा भी मैंने बृहद हिमालय में बताया कि भारत की तरफ बृहद हिमालय का ढाल बहुत तीव्र है और नॉर्थ साइड में इसका ढाल ज्यादा नहीं है, उसी तरह लघु हिमालय भी है आपका भारत के साइड, ये बहुत तीव्र ढाल है। लेकिन इसके विपरीत यानी कि नॉर्थ साइड में ढलान इसका कम है। अब ऑब्वियसली जब कहीं पे सपोज दैट ये क्या है, कोई पर्वत है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला ढाल बहुत तीव्र है, ये वाला ढाल बहुत मंद है। होता क्या दोस्तों, यहाँ पर वनस्पतियां आपको मिल सकती हैं, मिल जाएंगी, लेकिन इस वाले क्षेत्र में वनस्पतियां नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पे कुछ ठहराव होगा ही नहीं, जो भी चीजें होंगी नीचे चली जाएंगी। तो इसलिए इस विशेषता के कारण इसे लघु हिमालय को सूकर कटक कहते हैं। यहां पर वनस्पतियां पाई जाती हैं, इधर वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं, तो इसी विशेषता के कारण लघु हिमालय को आपको सूकर कटक भी बोला जाता है। तो ये हो गया लघु हिमालय। आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं शिवालिक की, जो कि अंतिम आखिरी भारत से लगा हुआ, यानी कि भारत के सबसे नजदीक, हम लोग के सबसे नजदीक कौन है? शिवालिक श्रेणी है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। उसका आखिरी शिवालिक है, इसका क्या कर रहा है? यह हिमालय के नवीनतम भाग है। तो अब ध्यान दीजिएगा, सबसे नवीनतम क्या है हिमालय का? नवीनतम क्या है? शिवालिक है। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू आदि। शिवालिक मध्य हिमालय से एक गहरी घाटी का द्वारा अलग होता है, सॉरी गहरी घाटी द्वारा अलग होता है। शिवालिक क्या बोल रहा है? मध्य हिमालय या लघु हिमालय से एक गहरी घाटी द्वारा अलग होता है। पश्चिम में दून तथा दून, पूर्व में द्वार घाटी कहा जाता है। जैसे चुंबी दून, किरिया दून, कोटली दून और हरिद्वार। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल भी ध्यान दीजिएगा, चुंबी दून, किरिया दून, कोटली दून और हरिद्वार। हाँ, ये आपका क्या है? द्वार, यानी कि पूर्व साइड में जा रहे हैं, तो इसलिए इसके नाम यहाँ क्या लग रहा है? द्वार का यूज हो रहा है। और जो इधर है पूर्व में, सॉरी पश्चिम में, वो दून दून लगा है। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा तथा चिरार ए शरीफ पंजाब हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिमालय की बात थोड़ा पर रिवाइज कर दूं, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। सबसे पहले ये आपका यहाँ क्या है? तिब्बत है। तिब्बत से जब आप जहाज से चलेंगे तो यहाँ आपको ट्रांस हिमालय मिलेगा, फिर आपको बृहद हिमालय, फिर लघु या मध्य, फिर शिवालिक मिलेगा। आप इस यहाँ पे ऊंचाई की अगर बात करूं तो ये आपका लगभग कर सकते हैं 600 से 1500 मीटर इसकी ऊंचाई है शिवालिक की। इसके बाद इधर 1500 से आप कह सकते हैं 4500 इसकी ऊंचाई है। और यहाँ इसकी लगभग कहा जाता है कि 6000 मीटर औसतन इसकी ऊंचाई है बृहद हिमालय की। तो सबसे पहले ट्रांस हो गया, फिर ये हो गया महान हिमालय या बृहद हिमालय या ग्रेट हिमालय, फिर आता है लघु या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक। तो ये तो देखिए हम लोग विभाजन किए, जो ऐसे समानांतर विभाजन किए उत्तर से दक्षिण के क्रम में। लेकिन दोस्तों इसके द्वारा अलग, इसके अलग और वैज्ञानिकों ने कहा कि इतना ही काफी नहीं है, इसको एक दूसरे तरीके से विभाजन किया जाए हिमालय का। अभी तो हम लोग ऐसे क्रम पढ़े कि एक श्रेणी ऐसे गई है तो उसे एक नाम दे दिए, दूसरा गया तो ऐसे, लेकिन बाद में क्या किया गया, अभी तो हम लोग क्या किए थे, ऐसे ऐसे पढ़े थे, ऐसे ऐसे हिमालय पढ़े। लेकिन जब दोबारा विभाजन किया गया, जिस अभी तो हम लोग ये जाने कि ट्रांस, महान, लघु, शिवालिक, लेकिन जब दोबारा विभाजन किया गया तो कुछ इस तरह से विभाजन किया गया, यानी कि इतने दूर को दूसरा हिमालय बोलेंगे, इतने दूर के क्षेत्र को दूसरा हिमालय, इतने को दूसरा, इतने को दूसरा। तो इस तरह से हमने देखा कौन कौन से हिमालय मिलते हैं, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अगली क्लास में हम लोग इन्हीं की चर्चा करेंगे।
हाँ क्या कर रहे थे हम, हाँ इसमें क्या है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय, ये अलग तरीके से विभाजन किया गया, जिसे हम बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग ये सब किसमें पढ़ रहे हैं, इस हेडिंग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एक बार ऐसे विभाजन किए, अब ये वाला विभाजन नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही हैं। आपको बता दूं टेलीग्राम चैनल पे एनिमेशन वीडियोस इमेजेस भी शेयर किए जाते हैं, आप उसके माध्यम से अच्छे समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, फ्री चैनल है, वहां जाकर आप उसे ज्वाइन हो सकते हैं। इनके साथ ही अगर कोई क्लास मिस हो गई है इंडियन ज्योग्राफी की इस सीरीज की, आप ज्योग्राफी में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वहां से जाकर आप बाकी की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई आपका सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है, पूरी कोशिश किया जाएगा यहाँ से कि और बेहतर तरीके से आपको कोई भी जानकारी प्रोवाइड की जाए। तो विश्वास है मेरा कि आप लोग हमेशा बने रहेंगे, सीरीज के अंत तक बने रहेंगे। और दोस्तों तब आएंगे नेक्स्ट क्लास में और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जैसा कि आप लोगों को मैंने बता दिया है क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, प्रादेशिक तरह से विभाजित कर देंगे अब नदियों के आधार पर। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो आएंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू।